प्रेम मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आज हम यूपी ट्रिपल एससी के एक बड़ी न्यूज के साथ उपस्थित हैं, जो न्यूज आपके लिए जानना अति आवश्यक है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, यहाँ पे सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजते समय बताना होगा कि रिक्त पद होने का आधार क्या है। यानी अब आपका जो वैकेंसियां आती थी वो वैकेंसियां साधारण रूप से ये बता दिया जाता था कि हमारे यहाँ इतने रिक्त पद हैं किसी भी विभाग में, मान लो 10 पद हैं हमारे पास रिक्त हैं, ठीक है। लेकिन अब इस पे नहीं काम चलेगा, अब उस विभाग को ये भी बताना होगा कि रिक्त पद का आधार क्या, कैसे वो रिक्त पद हो गया इसके बारे में बताना है। नया पद सृजित किया गया क्या, जैसा कि आप जानते हैं बीच में एक बार बात उठी थी कि नए पद को सृजित नहीं किया जाएगा, तो नया पद सृजित किया गया क्या दूसरा या पुराना है। अगर नया पद सृजित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उस पर वैकेंसी आने के आसार कम है, और या पुराना है तो ठीक है। क्या यह पदोन्नत सेवानिवृत्ति या अन्य प्रकार से रिक्त हुआ है, यह भी बताना होगा कि पदोन्नत से रिक्त हुआ है, सेवानिवृत्ति से रिक्त हुआ है, कि अन्य किसी प्रकार से रिक्त हुआ है, यानी कोई और आधार रखा गया है। आयोग इसके आधार पर प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर ही विचार करेगा। तीन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम समझेंगे। उसके पहले एक छोटी सी जानकारी चैनल की तरफ से आपको जानना जरूरी है कि वन रक्षक तथा जेल वार्डन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लेखपाल, वन रक्षक, लेखपाल और जेल वार्डन, इन तीनों के लिए आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। और किसका प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है तो आप कहेंगे कि जीएस का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको दिलाया जा रहा है। तीनों प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे आप यूपीपीएससी आरओआरओ 2020 की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी, जो आपके लिए पूरी तरह से पूर्णतया फ्री हैं, तो आप इस क्लास का एंजॉय कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बताइए और अपने भी सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ विजिट किया करिए। चलिए आप काम की बात करते हैं, तो काम की बात यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो कह रहा है केवल पद संख्या बताने से नहीं चलेगा काम। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी तक सिर्फ पदों की संख्या और योग्यता के आधार पर भर्तियां कराता था, लेकिन अब विस्तृत प्रस्ताव लेगा। मसलन पद अस्थाई है या अस्थाई, अधियाचित पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है, पद नियमित नियुक्ति का है, पद की सेवा नियमावली बनी है या नहीं, नहीं तो शासन के प्रशासनिक विभाग के कार्यकारी आदेश क्या है, मसलन आहर्ता, आयु सीमा आदि की क्या व्यवस्था है, इसका भी अनिवार्य रूप से जिक्र प्रस्ताव में करना होगा। यानी अब एक फॉर्मेट होगा जिसमें हर एक प्रकार का ब्यौरा उनको भर करके विभाग को देना होगा। जैसा कि आप जानते हैं सिर्फ रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा करके देने में लेखपाल की वैकेंसी में 3 साल हो गए, अभी तक ब्यौरा पहुँच नहीं पाया है। जब उस दिन मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली तो मुख्यमंत्री की मीटिंग लेने के बाद ब्यौरा दे दिया गया कि लगभग 7000 प्लस पद खाली हैं। लेकिन अगर इस तरह से प्रस्ताव मांगा जाएगा तो हमारे यहाँ के जितने कामचोर अधिकारी हैं वो और काम चोरी करेंगे, तो इतना डाटा वो लिखेंगे क्यों, और वैकेंसी कहीं ना कहीं और डिले होती चली जाएगी। अब देखिए क्या होता है लेखपाल इत्यादि की वैकेंसी के लिए। बहरहाल जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक कल की बड़ी न्यूज है, आज आप बताया जा रहा है आपको। चयन का आधार क्या होगा, विभागों का यह भी बताना होगा कि उक्त पदों के चयन का आधार अब तक क्या था, यानी इसके पहले चयन का आधार क्या। जैसे लेखपाल में अगर हम लेखपाल की विशेषता, लेखपाल को ही लेकर के सारा उलझन चल रहा है, लेखपाल को अगर लेकर के हम बात करें तो लेखपाल में क्या था कि इसके पहले राजस्व कराता था, राजस्व विभाग खुद कराता था। दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसमें डीएम के उसमें आपके जिला स्तर पर इसकी सिलेक्शन होता था, डीएम इसका इंटरव्यू लेता था, डीएम का पैनल होता था जिसमें इंटरव्यू लेते थे। अब ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है, अब इसका पेपर यूपी ट्रिपल एससी कराने जा रहा है। लेखपाल की बात हो रही, ट्रिपल एससी कराने जा रहा है, मेरिट जो है मंडल क्या कहते हैं माफ करिएगा, मेरिट प्रदेश स्तर पर बनने जा रही, राज्य स्तर पर बनने जा रही। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, इसी कारण आपकी वैकेंसी डिले हो रही। नहीं तो कहा जा रहा था शनिवार तक वैकेंसी आ जाएगी, और शनिवार बीत चुका, आज आपका दूसरा बृहस्पतिवार हो गया, तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत आपकी खड़ी हो गई है। चयन के लिए यदि अन्य परीक्षाओं की व्यवस्था है तो उसका भी प्रस्ताव में जिक्र किया जाना जरूरी है। यह बताना होगा कि कुल पदों में अनारक्षित कितने होंगे, अनुसूचित कितने हैं, अनुसूचित जनजाति कितने, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कितने हैं, यानी हर एक प्रकार की चीज़ें उनको भर करके ब्यौरा देना होगा, ठीक है। भर्ती के लिए कौन पात्र होंगे, भर्ती के लिए पात्र कौन कौन होगा इसके बारे में भी उन्हें बताना होगा। प्रस्ताव में यह भी बताना होगा कि परिवीक्षा अधिकारी कितने साल की होगी, अन्य पदों के लिए सरकारी कर्मचारी भी क्या पात्र होंगे, अगर पात्र होंगे तो उनके कितने साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी और अनुभव का कितना लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई सेवा शर्त है तो उसे भी बताना होगा। इसके साथ ही प्रस्ताव में स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि रिक्तियों को लेकर के न्यायालय में
कोई मामला तो विचाराधीन नहीं है, यानी हर एक प्रकार का जितना भी ब्यौरा हो सकता है न्यायालय से लेकर के छोटे छोटे स्तर पे हर एक चीज़ का ब्यौरा उनको भर के देना होगा, तब उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी रिक्तियाँ यूपी ट्रिपल एस सी अपने यहाँ सम्मिलित करेगी और उस सम्मिलित करने के बाद उस पर वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी पे फिर पेपर होगा, फिर आपका चयन होगा। तब कहीं ना कहीं जो प्रोसेस एक महीने में ख़त्म होती थी उस प्रोसेस को बड़ा कर दिया गया, लेकिन इससे एक बड़ा फायदा होगा कि जो लोग नियुक्त होंगे उनको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, नहीं पता चलता है कि उनका सिलेक्शन तो हो जाता है और पद ही नहीं देखते रहता, तो ये बवाल होता है, फिर कोर्ट में मामला जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए ये सारा कार्य किया जा रहा है, मुझे लगता है कि कार्य उचित है, होना भी चाहिए, बस अधिकारियों को एक्टिव बनाना चाहिए ताकि वो काम जल्दी से जल्दी कर दें जिससे युवाओं का कोई नुकसान ना हो। तो आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वर्ण रक्षक का प्रैक्टिस सेट आप देखा करिए, दूसरा प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इसकी अगर बात कर लें क्या कहते हैं आरओ की, तो 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस चलेंगी जो आपके लिए पूर्णतया फ्री हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।